फ्रेंड्स, वेलकम टू जगह क्लासेस। आपका जगह क्लास में स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले हम कहेंगे आपको, यदि इससे पहले वाला वीडियो आपने देखे हैं तो पहले वो वीडियो जाकर देखें, तभी आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। उससे पहले आप यदि वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो पहले लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब चैनल को कीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस लेक्चर का ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को लाभ हो सके। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है डेंसिटी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये सॉयल मैकेनिक्स है, तीसरा होगा पार्ट ये सॉयल मैकेनिक्स। किसी पहले दो तीन पार्ट शायद अपलोड कर दिए हैं, हाँ तो वो आप प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा जो भी होगा। तो इसमें है डेंसिटी, इसमें डेंसिटी के बारे में देखना है। देखिए, डेंसिटी दो प्रकार का होता है, एक होता है मास डेंसिटी, एक होता है वेट डेंसिटी। मास डेंसिटी को इंडिकेट किया जाता है रो से, और वेट डेंसिटी को गामा। ये सिंबल क्या है? गामा है। कोई ऐसा लिखता है गामा, इस प्रकार से हम ऐसे लिखते हैं गामा। ठीक है, तो ये दोनों सिंबल गामा का है। डेंसिटी दो प्रकार का, एक होता है मास डेंसिटी, एक होता है वेट डेंसिटी। मास डेंसिटी बराबर, मास डेंसिटी क्या होता है? रो बराबर मास है, तो मास डेंसिटी है तो मास बटे क्या होगा? वॉल्यूम होगा। ठीक है, मास डेंसिटी है तो मास बटे वॉल्यूम। वही हम यदि वेट डेंसिटी की बात करें तो वेट डेंसिटी बराबर क्या होगा? वेट बटे वॉल्यूम। ये मास बटे वॉल्यूम है, इसका यूनिट हो जाएगा मास का होता है, क्या होता है मास का? केजी। अब वॉल्यूम का मीटर क्यूब, इसका यूनिट हो गया केजी पर मीटर क्यूब। ये एसआईएम हो गया, यदि आप सीजीएस में बात कीजिएगा तो ग्राम पर सीसी हो गया। ये क्या है? वेट डेंसिटी है। अब देखिए, गामा बराबर वेट बटे वॉल्यूम। ठीक है, गामा बराबर क्या होता है? गामा बराबर वेट बटे वॉल्यूम। और डब्ल्यू बराबर क्या हम लोग पढ़े हैं? एम जी, एम बटे भी हो गया, एम भी बराबर क्या हो गया? रो। तो रो इंटू जी, बहुत काम का सूत्र। वेट डेंसिटी बराबर मास डेंसिटी इंटू ग्रेविटी जी। ठीक है, यहाँ वो बात मेंशन भी किया हुआ है। चलिए, तो गामा बराबर क्या होगा? यहाँ से फॉर्मूला आपका रो इंटू जी हो गया। यूनिट इसका निकाल लेंगे हम लोग, तो वेट का यूनिट हम डिस्कस किए हैं, हाइड्रोलिक्स में भी डिस्कस किए थे। वेट का होता है न्यूटन, अब वॉल्यूम का क्या होगा? मीटर क्यूब। तो न्यूटन पर मीटर क्यूब या किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। अब यहाँ से देखिए डेंसिटी, हम लोग यहाँ से निकालेंगे डेंसिटी ऑफ सॉइल। सॉइल का डेंसिटी पहला है बल्क वेट, बल्क यूनिट वेट। ठीक है, डेंसिटी और टोटल यूनिट वेट डेंसिटी। बल्क, बल्क मतलब क्या होता है? टोटल, समूचा। यानी कि इसमें एक सॉइल सैंपल है, इसमें सॉलिड है, यहाँ पर वाटर भरा हुआ है, ऊपर में एयर है। बल्क बात करेंगे टोटल, बल्क मतलब क्या होता है? टोटल, टोटल वेट अपॉन टोटल वॉल्यूम, उसी कहते हैं बल्क। यानी कि बल्क, बल्क को इंडिकेट करते हैं गामा बी से, या इसे गामा टी भी कहते हैं। इतना बराबर क्या हो जाएगा? टोटल वेट बटे टोटल वॉल्यूम, इसे कहते हैं बल्क यूनिट वेट। ये हो गया बल्क यूनिट वेट डेंसिटी या टोटल यूनिट वेट डेंसिटी। ठीक है, और आपको पता होगा टोटल वेट बराबर क्या होता है? वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर। और टोटल वॉल्यूम बराबर वेट ऑफ एयर क्या होता है? जीरो, नेग्लिजिबल होता है, उसको हम लोग कंसीडर करके नहीं चलते हैं। ठीक है, वे वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर। चलिए, ऐसा समझ में आ गया होगा, सिंपल याद करना है। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, ठीक है, इट इज डिफिनेशन पढ़ देते हैं एक बार। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल वेट ऑफ सॉइल सैंपल टू दैट ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ सैंपल। समझ में आ गया होगा, सीधा रखिए। बल्क यूनिट वेट डेंसिटी पूछेगा तो टोटल वेट टोटल वॉल्यूम होता है। आप देखिए, बल्क था तो टोटल लगा दी, बल्क मतलब टोटल होता है। सेचुरेटेड यूनिट वेट डेंसिटी पूछा है, सेचुरेटेड यूनिट वेट डेंसिटी पूछा है, तो सेचुरेटेड पूछा है तो गामा सेचुरेटेड बराबर क्या हो जाएगा? डब्लू टी सेचुरेटेड, डब्लू टी सेचुरेटेड। ठीक है, अब बटे वी टी सेचुरेटेड हो जाएगा, सेचुरेटेड हो जाएगा टोटल वॉल्यूम। सीधा याद रखिए, आप डिफरेंशियल बना के लिख सकते हैं टोटल वेट ऑफ सेचुरेटेड सॉइल बटे टोटल वॉल्यूम ऑफ सेचुरेटेड सॉइल। सेचुरेटेड में दो आता है, एक फुल्ली सेचुरेटेड, ये क्या होता है? सुपर सेचुरेटेड। यहाँ हम बात कर रहे हैं फुल्ली सेचुरेटेड का। चलिए, तो ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल क्या होता है? ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल, ड्राई मतलब सूखा, डेंसिटी
कोई भी डेंसिटी देखिए, अभी जितना डेंसिटी आप पढ़िएगा सब डेंसिटी में है वेट बटे वॉल्यूम ही। बल्क पूछेगा तो बल्क लगा देना है, टोटल पूछेगा बल्क मतलब बल्क डब्लू बी लगाइए या आप डब्लू टी लगाइए, वहाँ पर टोटल या बल्क उसी कहते हैं। इसी पर सेचुरेटेड पूछा यहाँ पर, आगे यहाँ क्या पूछा था सेचुरेटेड, तो डब्लू टी सेचुरेटेड लगा दिए, डब्लू टी क्या लगा दिए यहाँ से सेचुरेटेड लगा दिए, ठीक है आप वॉल्यूम में लगा दिए सेचुरेटेड। तो जितना भी डेंसिटी है सब में गामा बटे भी डब्लू बटे भी ही होगा, ठीक है। चलिए, क्योंकि यहाँ हम लोग सॉइल मैकेनिक्स बात करते हैं वेट डेंसिटी का, बांस डेंसिटी का बात नहीं करते हैं, करते हैं लेकिन ज़्यादातर वेट डेंसिटी का ही बात होता है। तो यहाँ से ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल निकालना होगा, तो गामा डी बराबर वेट ऑफ सॉलिड, सॉलिड का वेट बटे टोटल वॉल्यूम निकाल लीजिए, और टोटल वॉल्यूम बराबर यहाँ क्या होगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर, क्योंकि ड्राई डेंसिटी है तो ड्राई डेंसिटी में क्या होता है, ड्राई डेंसिटी में वॉल्यूम ऑफ वाटर नहीं होता है और वेट ऑफ वाटर भी क्या होता है जीरो होता है, सॉरी जीरो होता है, हम अथी कर दिए थे वहाँ पर, यानी कि वॉल्यूम ऑफ वाटर बराबर जीरो, वाटर है ही नहीं क्योंकि ड्राई डेंसिटी है, ड्राई कंडीशन में सॉइल है, तो ड्राई कंडीशन में कब सॉइल होगा, ड्राई कंडीशन में तब होगा सॉइल जब उसमें क्या होगा वाटर जीरो होगा और वेट ऑफ वाटर भी क्या होगा जीरो होगा। चलिए समझ में आ गया होगा आपको। उसके बाद है यूनिट वेट ऑफ वाटर, सिंपल सी वाटर का यूनिट वेट निकालना है, तो यूनिट वेट ऑफ क्या निकालना है वाटर निकालना है, तो वाटर का यूनिट वेट निकालना है तो वेट ऑफ वाटर बटे वॉल्यूम ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर का यूनिट वेट बराबर क्या होता है वेट बटे वॉल्यूम। वाटर निकालना है तो वाटर लगा दिए सिंबल में, जो कहेगा वो लगा देंगे, वाटर कहा था तो वाटर लगा दिए। चलिए हो गया, समझ में आ गया होगा यहाँ से। और ये जो फार्मूला है ये सॉइल में हाइड्रोलिक्स में भी हम लोग देखे थे इसको, गामा बराबर क्या होता है डब्लू बटे वी, डब्लू बराबर एम जी, एम जी अपॉन क्या हो जाएगा एम जी अपॉन वी, और एम बाय वी बराबर रो, तो गामा बराबर क्या होगा, इससे पहले भी इसको डिस्कस किए थे, रो जी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब देख लीजिए, ये सब हाइड्रोलिक्स में डिस्कस किया हुआ है। वाटर का डेंसिटी होता है 1000 केजी पर मीटर क्यूब, डेंसिटी ऑफ वाटर ये होता है 1000 केजी पर मीटर क्यूब, ये हो गया एसआई सिस्टम में यानी कि एमकेएस में। यदि पूछेगा सीजीएस में तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सीजीएस में 1 ग्राम पर सीसी, दोनों सूत्र है ज़रूरी है याद रखना है। डेंसिटी ऑफ वाटर यदि पूछेगा एसआई सिस्टम में 1000 केजी पर मीटर क्यूब, ध्यान रखना है ठीक है, 1000 केजी पर मीटर क्यूब, और यदि पूछेगा सीजीएस सिस्टम में तो 1 ग्राम पर सीसी, लिखा भी है। देखिए यदि आपको ये जो पढ़ा रहे हैं अभी इसका पीडीएफ लेना होगा तो टेलीग्राम पर सर्च कीजिए देखिए क्लासेस, ठीक है वहाँ पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा आपको, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। यदि चाहते हैं किसी तरीका से हम वीडियो बनाते रहे तो ये आप पर निर्भर करता है कि आपका कैसे देखने में कैसा लग रहा है, आवाज़ ठीक से सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा है, आप किस टॉपिक पर लेक्चर चाहते हैं, तो उसके लिए कमेंट बॉक्स खुला है आपके लिए, कमेंट कीजिए। पीडीएफ आपको मिल ही रहा है लॉकडाउन कंडीशन में, इससे आपको क्या चाहिए, घर बैठे सब चीज़ मिल रहा है, तो कम से कम लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है, इतना ही है कमेंट बनता ही है, इतना कीजिए। चलिए ये चीज़ यहाँ से यहाँ तक हम हाइड्रोलिक्स में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी ये सॉइल मैकेनिक्स है तो इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो गामा बराबर निकल गया रो इनटू जी, ठीक है अब आपको निकालना है ये क्या है डेंसिटी ऑफ वाटर निकालना है, यूनिट वेट ऑफ वाटर निकालना है, यूनिट वेट है ना ये, तो क्या लिखेंगे डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी, आर ओ डब्ल्यू का मान 1000 केजी पर मीटर क्यूब, जी का मान 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है तो यहाँ से मीटर मीटर कचेगा मीटर स्क्वायर बचेगा बचेगा ना, तो केजी पर मीटर स्क्वायर देख लीजिए, यहाँ से गुना कर दिए, 1000 ये हो गया 9.81 ये हो गया, 1000 लिख दिया इसको 9.81 लिख दिए, केजी पर मीटर क्यूब लिख दिए, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख दिए, यहाँ से ये हो गया। अब देखिए आगे क्या, 1000 को हम लोग के लिख सकते हैं क्योंकि के बराबर क्या होता है 10 के पावर 3 यानी कि 1000 होता है, तो उसको 1000 को हम लोग क्या लिख दिए के लिख दिए। चलिए ठीक है, उसके बाद देखिए फोर्स का यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आप पढ़े होंगे आप केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या होता है, एफ बराबर आप पढ़े होंगे एम ए मास इंटू एक्सेलरेशन, मास का होता है केजी, एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फोर्स हो गया, तो फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं न्यूटन भी कहते हैं, तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की यहाँ क्या कह दिए न्यूटन,
बच गया किलो, तो किलो न्यूटन, किलो न्यूटन, और बटा मीटर क्यूब है तो यूनिट वेट ऑफ अथी सॉरी डेंसिटी ऑफ वाटर, क्या निकल गया ये, ठीक है 9.81 कि वेट डेंसिटी ऑफ वाटर निकला। वाटर कैसे डेंसिटी निकला, वेट डेंसिटी कितना निकला 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। हाइड्रोलिक्स में से हम डिस्कस कर चुके हैं ये बात, ठीक है। चलिए वेट डेंसिटी ऑफ वाटर निकल गया, एक होता है मास एक होता है वेट। यहाँ से यदि ये पूछेगा किलो न्यूटन में पूछेगा तो गामा डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। आ देखिए एक ही बात है, वेट डेंसिटी पूछे ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, एक ही बात है। ये तो हो गया एसआई सिस्टम में, ठीक है। सी जी एस में पूछेगा तो 1 ग्राम पर सीसी, वो पहले बता दिए, सिंपल सी है। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव रूप में एक ही बात याद रखना है कि ड्राई डेंसिटी ऑफ अथी सॉरी वेट डेंसिटी ऑफ वाटर पूछेगा तो 9.89 किलोमीटर पर मीटर क्यूब एसआई सिस्टम इसको बोलेंगे, सी जी एस में पूछेगा तो 1 ग्राम पर सीसी इसको बोलेंगे। चलिए आगे देखते हैं, आगे हैं सबमर्ज यूनिट वेट। देखिए ये सब अभी जो पढ़ा रहे हैं आपको, जहाँ जहाँ भी सॉयल मैकेनिक्स है, जिस एग्ज़ाम में सॉयल मैकेनिक्स पूछा जाता है ऑल एग्ज़ाम के लिए ये सेमेस्टर दे रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं आप, लाइक एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हैं मान लीजिए, आरआरबी जेई का नहीं कर रहे हैं तो बाद में कीजिएगा, वो हो गया एलएमआरसी डीएमआरसी हो गया, ठीक है जितना भी है उसमें सब में काम देगा। सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे रहे हैं, डिप्लोमा आप सिविल से हैं तो उसमें भी सब में काम देगा। चलिए अब देख लीजिए, यहाँ है सबमर्ज, सबमर्ज यूनिट वेट, सबमर्ज यूनिट वेट यहाँ लिखा हुआ है। सबमर्ज यूनिट वेट क्या होता है, देखिए जैसे ये क्या है, एक बकेट है, इस बकेट में आप क्या कीजिए कोई सब्सटेंस डाल दीजिए, सब्सटेंस डाल दीजिएगा तो वेट के कारण क्या होगा नीचे आएगा, वेट के कारण क्या होगा कि नीचे आना चाहेगा, लेकिन पानी उस पर क्या होगा एक ऊपर फोर्स लगाएगा, पानी क्या होगा एक ऊपर फोर्स लगाएगा, तो नेट फोर्स ये जो सब्सटेंस है नीचे कितना लगाएगा, नेट फोर्स कितना लगाएगा, नेट फोर्स बराबर हो जाएगा डब्लू माइनस बॉयंसी फोर्स। एफ बी क्या कहते हैं, बॉयंसी फोर्स कहते हैं, यानी कि जितना उसका वेट है, मान लीजिए जैसे समझने के लिए इस प्रकार समझिए, इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है इसमें पानी भरा हुआ है, इसमें कुछ हमने ये एक बकेट रख दिया है, ठीक है ये रख दिया है, इसका वेट जो है इसका वेट नीचा काम कर रहा है डब्लू, डब्लू है, डब्लू मान लीजिए आप समथिंग लाइक 5 kg है, ये कितना है 5 kg है, ठीक ये 5 kg है, तो 5 kg है, ऊपर पानी की सतह दरे नीचे आया है, ठीक है। अब देखिए पानी भी कुछ उस पर फोर्स लगाएगा, पानी भी क्या होगा इस पर कुछ फोर्स लगाएगा, ये मान लीजिए 2 kg लगाता है, 2 kg लगाया समथिंग लाइक, ठीक है तो अल्टीमेटली 5 kg ऊपर से देख लो नीचा से नेट कितना हो जाएगा 5 - 2 = 3। इसी प्रकार से यहाँ फॉर्मूला निकाला गया है, ये बकेट था इसमें सॉइल पार्टिकल जो भी है इसमें रखा हुआ है इस प्रकार से, ठीक है ये नीचा लगाता है डब्लू, ये नीचा कितना लगाता है डब्लू, और वाटर भी इस पर लगाएगा वो कितना एफ बी मान लीजिए जितना बॉयंसी फोर्स होगा, उत्प्लावन बल जिसे कहते हैं जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर होता है वो लगाएगा, तो डब्लू नेट यहाँ से निकल जाएगा, डब्लू नेट बराबर क्या निकल जाएगा वेट, इस बॉडी का वेट माइनस बॉयंसी फोर्स, ठीक है इसी को कहा जाता है सबमर्ज यूनिट वेट। इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, सबमर्ज यूनिट वेट बोलते हैं इसको, तो गामा सबमर्ज बराबर क्या हो जाएगा, गामा सबमर्ज बराबर टोटल वेट, सबमर्ज सॉइल का टोटल वेट, सबमर्ज मतलब पानी में जो डूबा हुआ है, टोटल वॉल्यूम सबमर्ज का टोटल वॉल्यूम, यहाँ से ये निकल गया, क्या निकल गया सबमर्ज यूनिट वेट, ठीक है चलते आगे चलते हैं। सबमर्ज यूनिट वेट निकल गया, ये तो डायरेक्ट फार्मूला, एक सबमर्ज यहाँ से भी जो कंसेप्ट यूज किए हम लोग, ठीक है गामा सबमर्ज बराबर यहाँ वाला कंसेप्ट, तो यहाँ से गामा सबमर्ज बराबर हो जाएगा सेचुरेटेड माइनस, इसमें उतना नहीं दिमाग लगाना है, माइनस यूनिट वेट ऑफ वाटर। चलिए आगे चलते हैं, देखिए ये जो अभी ये इसी से एक कंसेप्ट आया है, ये जो फार्मूला है ये किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, इस ऑब्जेक्टिव में एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ये है दिस कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ये किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर ये बेस्ड है। चलिए देखिए, ऑल सैचुरेटेड केस इज नॉट ए सबमर्ज्ड केस बट ऑल सबमर्ज्ड केस इज सैचुरेटेड केस, सैचुरेटेड का मतलब होता है जितना उसको पानी चाहिए पूरा मिला है,
सबमर्ज का मतलब होता है जितना सेचुरेटेड है उससे अधिक पानी है, ठीक है। तो लाजमी सी बात है, जितना भी सेचुरेटेड केस है उसे आप सबमर्ज केस नहीं कह सकते हैं, लेकिन जितना सबमर्ज है वो सब का सब क्या होगा, सेचुरेटेड होगा। चलिए यहाँ से नेक्स्ट टॉपिक है स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये देखिए ये सब हम लोग मतलब अभी अभी इससे पहले जो आपको लेक्चर देख लीजिए हाइड्रोलिक्स है उसमें भी हम लोग बात किए थे, यहाँ भी है। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, सिंपल सी मतलब तरीका है, किसी भी सब्सटेंस का आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना होगा, उस सब्सटेंस के डेंसिटी में स्टैंडर्ड जो होता है वाटर का डेंसिटी उससे भाग दे दीजिए तो उस सब्सटेंस के निकल जाएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी। लेकिन वो तो हम लोग हाइड्रोलिक्स में देखे थे, यहाँ देखना है सॉइल मैकेनिक्स में। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी दो प्रकार का होता है, एक होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड, एक होता है सॉइल सॉलिड निकल गया, और दूसरा मास स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सैंपल का है। ये सॉइल सॉलिड का है या सॉइल सैंपल का है, यहाँ क्या करेंगे तो स्पेसिफिक ग्रेविटी को जी से इंडिकेट करते हैं, यहाँ निकाल रहे हैं हम लोग सॉइल सॉलिड का, तो जी एस बराबर क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ सॉलिड, डेंसिटी ऑफ सॉलिड बट यूनिट वेट ऑफ वाटर, जो मतलब डेंसिटी है सॉरी यूनिट वेट ऑफ वाटर का या डेंसिटी वाटर के जो स्टैंडर्ड में रहा है, तो जी एस बराबर डेंसिटी ऑफ क्या निकल गया, सॉरी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड निकल गया, जी एस बराबर गामा एस बट गामा डब्लू जो 1000 9.81 होता है। चलिए यहाँ से क्या निकाल लेंगे, मास ग्रेविटी, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सैंपल, यहाँ से क्या निकालना है, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सैंपल निकालना है। इसका इंडिकेट मास का बात किए तो जी लगा दिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी को जी से इंडिकेट किया जाता है, जी एम लगा दिए। तो टोटल डेंसिटी ऑफ सैंपल यहाँ लेना है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड लेना है, यहाँ टोटल लेना है, इतने अंतर है क्योंकि मास है यहाँ पर, यहाँ सिर्फ सॉलिड का बात किया गया है, तो सॉलिड का लिए यहाँ पर टोटल जी एम मतलब मास टोटल का बात हो रहा है, तो टोटल डेंसिटी ऑफ सॉइल सैंपल, ठीक है, या टोटल डेंसिटी ऑफ सैंपल जो भी कहिए, सॉइल सैंपल तो सैंपल कौन होगा, सॉइलेंट होगा, बट गामा डब्ल्यू वाटर से भाग दे दीजिए, स्टैंडर्ड होता है वो वहाँ से निकल गया, ठीक है। चलिए आगे है, आगे देख लीजिए, जी एस ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल, यानी कि जी एस जो होगा स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड का अधिक होता है, किससे होता है, फाइन का जो है ना, वो फाइन का स्पेसिफिक क्या होगा, जी एस ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल इज ग्रेटर देन जी एस ऑफ कोर्स ग्रेन सॉइल, कोर्स ग्रेन सॉइल यानी कि फाइन का जो फाइन सॉइल जो आपके पास है सॉइल सॉलिड उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा होता है कोर्स ग्रेन के से। उसके बाद है डेंसिटी ऑफ सॉलिड, सिंपल है, सॉलिड डेंसिटी निकालना है, गामा एस बराबर वेट ऑफ सॉलिड बट वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, बहुत आसान है सीधा, देखिए सब में डेंसिटी में जो निकालना होगा सब डेंसिटी में गामा वाला डब्ल्यू बटे भी होता है, ये डेंसिटी है, ये क्या है डेंसिटी है, सॉलिड का है तो एस लगा देंगे, ड्राई कहेगा तो ड्राई वाला दे देंगे, सबमर्ज कहेगा तो जो भी है अपना उस प्रकार से। चलिए अब अभी तक जो भी पढ़े हैं कुछ रिलेशन है, उस रिलेशन हम लोग देख लेते हैं, कुछ फार्मूला सब है, सम इम्पोर्टेंट इंटर रिलेशनशिप बिटवीन डेंसिटी एंड नॉन डायमेंशनल पैरामीटर। देखिए यदि आप सॉइल मैकेनिक्स डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, अच्छी तरीके से पढ़ना चाहते हैं, तो आप पेड कोर्स से परचेज कर सकते हैं, उसमें इससे भी अच्छी तरीके से हम पढ़ाएंगे पॉइंट टू पॉइंट, क्योंकि इसमें थोड़ा सा हम फास्ट चलेंगे क्योंकि ये मार्क्स चलने का पहले कुछ ना कुछ पढ़े होंगे, ठीक है। तो और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं उसमें आपको पीडीएफ भी मिलेगा, ठीक है, पीडीएफ मिलेगा, इसी प्रकार से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसमें डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। बात है 399 उसका कोर्स है, वो कोर्स आप ले सकते हैं। यदि उसके रिलेटेड आपको कोई क्वेरी पूछना चाहते हैं तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8340224419, ठीक है, इस पर आप पूछ सकते हैं या ये गूगल पे रिसीव पेमेंट भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है लेना, वो उसके लिए है ज़्यादा जरूरी, जो कभी सॉइल मैकेनिक्स ने पढ़ा है सेमेस्टर का एग्ज़ाम देना है कैसे सेमेस्टर में पास करेंगे तो वो वहाँ ज़रूरी है, वैसे तो यहाँ पर हम डाल दे रहे हैं। चलिए देखिए यहाँ से ये फार्मूला हम लोग देख चुके हैं, वेट ऑफ सॉलिड बराबर टोटल लिक्विड वन प्लस वाटर कंटेंट, वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड बराबर हम लोग देख चुके हैं टोटल वॉल्यूम बट वन प्लस सी, जितना फार्मूला है ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, आपको बार बार बोल रहे हैं, आप कहीं भी सॉइल मैकेनिक्स पढ़े हैं कुछ ना कुछ जरूर आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, इसी लेक्चर को पूरा देखिए, पूरा देखने के बाद आपको पता चलेगा कि क्या हम बताए हैं नहीं बताए हैं, ठीक है। आवाज़ जैसा सुना देता होगा, आवाज़ यदि ठीक से सुना नहीं दे रहा है, कम सुना दे रहा है, हेडफोन लगा सकते हैं। देख लीजिए पोरोसिटी बराबर ई बटे वॉइड रेशियो बट वन प्लस सी, ये भी देख चुके हैं। उसके बाद ई बराबर एन बटे वन माइनस एन, एन क्या है पोरोसिटी। उसके बाद एस डिग्री ऑफ सैचुरेशन प्लस एयर कंटेंट, ठीक है, बराबर एस प्लस ए सी, बहुत बार डायरेक्ट एग्जाम पूछ लिया है, इतना बराबर क्या होता है
वन होता है प्लस एसी बराबर वन होता है। देखिए एक फार्मूला और है, ई एस बराबर डब्लू जी एस। अब ई क्या होता है, एस क्या होता है, डब्लू क्या होता है, जी एस क्या होता है, ये सब फार्मूला हम सब बारे में बता चुके हैं। इसको ऐसे याद रखते हैं से वाग, इस प्रकार से इसको याद रख सकते हैं, एस ई बराबर डब्लू जी एस। नेक्स्ट फार्मूला है, नेक्स्ट फार्मूला ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्क टोटल वेट, टोटल यूनिट वेट निकालना होगा, या डेंसिटी यूनिट वेट कहिए इसको, या डेंसिटी कहिए। तो जी एस प्लस ई एस बटे वन प्लस ई, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे यूनिट वेट ऑफ वाटर से, ठीक है। अब देखिए जब यहाँ पर एस बराबर जीरो, यानी कि जब सॉइल क्या होगा, ड्राई सॉइल होगा, ड्राई सॉइल होगा तो ये तो पूरा टर्म जीरो हो गया, तो सिर्फ क्या बचेगा यहाँ पर, जी एस ये बचेगा प्लस गामा डब्लू बटे वन प्लस ई बच गया। तो यहाँ से वो चीज़ हम निकाल लिए, ठीक है। अब ये फार्मूला भी हम लोग देख चुके हैं, नहीं देख चुके हैं तो आप देख लीजिए यहाँ से, ठीक है। गामा टी बटे गामा डी बराबर होता है, ये सब डायरेक्ट आपको याद भी करना है, वन प्लस डब्लू, डब्लू क्या वाटर कंटेंट है, ठीक है। चलिए तो यहाँ से गामा डी का मान निकल जाएगा, गामा डी का मान क्या निकल जाएगा, गामा टी बटे प्लस वन प्लस। देखिए प्रॉपर नोट्स जब तक आपने बनाइएगा तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, एक बार लेक्चर को पहले देखिए फिर नोट्स बनाइए फिर एक बार देखिए तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अभी तुरंत देखे हैं गामा सबमर्ज बराबर क्या होता है, गामा सैचुरेटेड माइनस वाटर यूनिट वेट ऑफ वाटर गामा डब्लू, ठीक। तो यहाँ से आपको अब गामा सैचुरेटेड का फार्मूला ऊपर देख चुके हैं आप, ये होता है, ठीक। ये रखिए यहाँ पर माइनस ये कॉमन लीजिएगा, उतना समझने वाला टॉपिक नहीं है, कॉमन लीजिएगा ये हो जाएगा। उसके बाद इसको सॉल्व करने के बाद आपको डायरेक्ट याद रखना है गामा सबमर्ज बराबर, ये फार्मूला याद हो गया। चलिए एक फार्मूला लास्ट फार्मूला और है, गामा डी बराबर वन माइनस एन ए, ये फार्मूला देख रहे हैं आप, वन माइनस एन ए, एन ए क्या है, परसेंटेज ऑफ एयर वायर्स आप देख चुके हैं, वन माइनस एन ए बट वन प्लस डब्लू इंटू जी एस इंटू जी एस इंटू गामा डब्लू। चलिए एक बार अभी तक जितना पढ़े हैं, इससे आगे कल हम न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। तो अभी तक जितना पढ़े हैं, पाँच मिनट लगेगा, एक बार रिविज़न आपको करवा देते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो, जो भी सिम्बोलिक प्रॉब्लम है वो खत्म। चलिए सॉइल मैकेनिक्स अभी आप जितना पढ़े हैं उसको फास्ट में एक बार हम रिविज़न कर लेते हैं, ठीक है। तो सॉइल सैंपल है, कोई भी सॉइल सैंपल आप देखते जाइए, तीन कंडीशन में होता है उस सॉइल, कोई भी सॉइल सैंपल है उसमें तीन चीज़ पाया जाता है, एयर वाटर और सॉलिड पार्टिकल पाया जाएगा। इसका थ्री फेज सिस्टम होता है, थ्री फेज सिस्टम में क्या होता है, सॉलिड होगा यहाँ पर, वाटर होगा यहाँ पर, एयर होगा, एयर है सॉलिड है तो बेटर सॉलिड बोल देंगे, वाटर है तो बेटर वाटर बोल देंगे डब्लू डब्लू, एयर है तो बेटर ऑफ एयर बोल देंगे। यहाँ से वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ एयर हो गया, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम वाटर कहते हैं वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्या कहते हैं, वॉइड्स, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स में क्या आता है, वॉल्यूम ऑफ एयर और वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है। उसके बाद टोटल की बात करेंगे, टोटल वेट बोलेंगे, टोटल वेट एयर वाटर सॉलिड तीनों टोटल में आ जाएगा। सॉलिड मतलब यहाँ सिर्फ सॉइल, सॉइल से है, ठीक है, इसको कहते हैं थ्री फेज सिस्टम। चलिए टोटल वॉल्यूम बात करेगा तो एयर वाटर सॉलिड तीनों को मिला टोटल वॉल्यूम हो जाएगा। और सॉइल का जो नेचुरल एग्जिस्टेंस है इसी प्रकार से रहता है, सॉइल का नेचुरल एग्जिस्टेंस, ठीक है। ड्राई कंडीशन का सॉइल बोलेगा तो ड्राई कंडीशन वाटर नहीं होगा, सिर्फ एयर होगा, इसे टू फेज सिस्टम कहते हैं, ड्राई सॉइल हो गया। नेचुरल एग्जिस्टेंस अभी आप समझबे किए हैं। सैचुरेटेड सॉइल बोलेगा या जस्ट सैचुरेटेड बोलेगा, सैचुरेटेड मतलब जितना उसमें पानी चाहिए उसमें पूरा पानी भरा हुआ है सॉइल में, तो उसमें क्या होगा, वाटर होगा पूरा पूरी, एयर नहीं होगा। सुपर सैचुरेटेड बोलेगा तो जितना चाहिए सैचुरेटेड के लिए उससे अधिक पानी दे दीजिएगा, तो उसी को बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड वाला केस, ठीक है। इस तीनों कंडीशन हम क्या देखें, सॉइल सॉलिड का भी चेंज नहीं होता है, सॉइल सॉलिड का भी चेंज नहीं होगा तो वेट ऑफ सॉलिड का भी चेंज नहीं होगा, और वेट ऑफ सॉलिड का भी चेंज नहीं होगा उसके साथ साथ ही वॉल्यूम ऑफ सॉलिड भी कभी चेंज नहीं होगा, इतना बात आपको याद रखना है। चलिए उसके बाद वाटर कंटेंट देखे थे, कुछ देखे थे नॉन डायमेंशनल पैरामीटर, यानी कि जिसका डायमेंशन नहीं होता है। वाटर कंटेंट देखे थे, वाटर कंटेंट निकालना है, वाटर कंटेंट को छोटका डब्लू से इंडिकेट करते हैं, वेट ऑफ वाटर कैपिटल डब्लू बट वेट ऑफ सॉलिड, ये हो गया वाटर कंटेंट। इसका मिनिमम वैल्यू चेक करना होगा, वाटर कंटेंट क्या होगा, जीरो। किस केस में, ड्राई केस, वाटर कंटेंट जीरो होगा तो डब्लू का मान क्या होगा, जीरो। जीरो से लेकर कहाँ तक होगा, इन्फिनिटिव के, यानी कि जीरो लेस देन इक्वल इन्फिनिटिव, लेस देन इन्फिनिटिव, यानी कि वाटर कंटेंट का जो वैल्यू है वो जीरो भी होगा
जीरो के बराबर भी होगा, वही जीरो होगा, जीरो के बराबर होगा और उससे बड़ा होगा, इन्फिनिटी से छोटा होगा, ये वाटर कंटेंट हो गया। दोनों तरफ एक जोड़ करके हम लोग ये फॉर्मूला भी देखे थे, डब्ल्यू एस बराबर क्या निकाल लिए, डब्ल्यू टी बटे वन प्लस वाटर कंटेंट, ये फार्मूला यहाँ से निकल गया। ठीक है, रिविजन करवा रहे हैं तो थोड़ा सा फास्ट में ही कराएंगे रिविजन, और डिटेल में इसका अगले लेक्चर हम डिस्कस किए हैं। मॉइस्चर कंटेंट ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल क्या होता है, अधिक होता है किससे, कोर्स ग्रेन सॉइल से, बता चुके हैं आपको फाइन ग्रेन सॉइल में अधिक मॉइस्चर होता है क्योंकि उसमें नंबर ऑफ वाइट संख्या अधिक है, कोर्स ग्रेन सॉइल में मॉइस्चर कम होता है, क्यों होता है क्योंकि उसमें नंबर ऑफ वाइट संख्या कम है, लेकिन साइज ऑफ वाइट्स बात कीजिएगा तो कोर्स ग्रेन सॉइल का साइज ऑफ वाइट्स बड़ा होता है किसकी तुलना में, फाइन ग्रेन सॉइल की तुलना में। डब्ल्यू फाइन देखिए वाटर कंटेंट ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल ज़्यादा होगा किसकी तुलना में, कोर्स ग्रेन सॉइल की तुलना में, ये भी देख चुके हैं। उसके बाद देखे थे वॉइड्स रेशियो, वॉइड्स रेशियो निकालना है किसी तुलना में निकालेंगे, वॉल्यूम सॉलिड की तुलना में, तो वॉइड्स रेशियो बराबर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बटा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये हो गया वॉइड्स रेशियो। यहाँ से वॉइड्स रेशियो देख लिए, दोनों तरफ ई जोड़ करके ये फॉर्मूला निकाल लिए हम लोग, क्या निकाल लिए, वॉल्यूम ऑफ सॉइल बराबर, अभी फॉर्मूला देखे थे लिस्ट में हम लोग, वॉल्यूम ऑफ सॉइल बराबर क्या होगा, टोटल वॉल्यूम बटे वन प्लस ई, टोटल वॉल्यूम बटे वन प्लस ई, यहाँ से वॉल्यूम ऑफ सॉइल बराबर निकल गया टोटल वॉल्यूम बटे वन प्लस ई। वी एस क्या है, वॉल्यूम सॉइल सॉलिड का वॉल्यूम है, वी टी क्या है, टोटल वॉल्यूम है यानी कि सॉइल सॉलिड होगा उसमें एयर होगा वाटर होगा। ई क्या है, वॉइड्स बराबर क्या होता है, वॉल्यूम हाइड वॉल्यूम सॉलिड। चलिए उसके बाद रेंज ऑफ वॉइड्स देखते हैं, वॉइड रेशियो रेंज निकालना है, ई बराबर वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बटा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होता है, वॉइड रेशियो यानी कि वॉइड, वॉइड कहाँ होगा, सॉलिड में वॉइड होगा, सॉलिड में सॉइल सॉलिड में ही वॉइड होगा ना, इस प्रकार से वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स क्या कभी जीरो हो सकता है, कभी नहीं, क्योंकि एयर या वाटर दोनों में कोई ना कोई प्रेजेंट होगा ही। यदि आप ड्राई कंडीशन की बात करते हैं, ड्राई कंडीशन में क्या होता है, ड्राई कंडीशन यदि आप बात कीजिएगा तो ड्राई कंडीशन में क्या होगा बताइए, ड्राई कंडीशन में सिर्फ एयर होगा उसमें वाटर नहीं होगा, अब वेट कंडीशन बात कीजिएगा सिर्फ वाटर होगा उसमें एयर नहीं होगा, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स में एयर और वाटर दोनों आता है तो कभी भी दोनों जीरो नहीं होगा, हमेशा एक ना एक उसमें अवेलेबल रहेगा। तो रेंज ऑफ वॉइड्स से यहाँ से क्या निकाल लिए, जीरो भी नहीं होगा कभी, ये जीरो से छोटा होगा जीरो से लेकर के ठीक है इन्फिनिटी के बीच होगा, इस प्रकार से हम लोग रेंज ऑफ वॉइड्स देखे थे। आप देखिए वॉइस रेशियो फाइन ग्रेन सॉइल इज मोर देन कोर्स ग्रेन सॉइल, ये समझाए थे कि वॉइस रेशियो जो होता है ना फाइन ग्रेन सॉइल का ज़्यादा होता है किसी तुलना में कोर्स ग्रेन सॉइल का, डिटेलिंग आपको पहले मिल चुका है। चलिए यहाँ से उसको देखे थे, ई फाइन ग्रेटर देन ई कोर्स, ये देख लिए थे हम लोग। पोरोसिटी ईटा की बात करेंगे, पोरोसिटी क्या होता है, पोरस मतलब होल, होल कहाँ दिखेगा टोटल में, तो पोरोसिटी का सिंबल होता है एन, तो पोरोसिटी बराबर क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ वॉइस बटे टोटल वॉल्यूम, ये हो गया पोरोसिटी। देखिए रिवाइज इसलिए करा रहे हैं, कल न्यूमेरिकल कराएंगे, यदि ऐसा दिमाग में नहीं रहेगा तो फिर न्यूमेरिकल समझ में नहीं आएगा, इसलिए जरूरी है दिमाग रखना। तो पोरोसिटी बराबर यहाँ से क्या हो गया, पोरोसिटी बराबर वॉल्यूम है तो वॉल्यूम ऑफ टोटल सॉइल सॉलिड। पोरोसिटी की बात करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ वॉइस कभी जीरो नहीं हो सकता, पोरोसिटी बराबर क्या हो गया, वी वी बटे वी टी, क्या कभी वी वी जीरो हो सकता है, नहीं संभव नहीं है, अभी तुरंत देखे हैं वी वी कभी भी जीरो नहीं हो सकता है इसका, और वी वी बराबर कभी वी टी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसमें एक वी टी में एक सॉइल सॉलिड एक्स्ट्रा है वी एस, क्योंकि जबकि इसमें वी एस नहीं होता है इसीलिए हमेशा वी टी बड़ा होगा। ठीक है, यानी कि वी टी ऑलवेज ग्रेटर देन होता है वी वी से, जब ऐसा है तो दोनों भी दोनों कट कर कभी एक नहीं होगा, एक नहीं होगा तो एन का मान कभी भी एक बराबर नहीं होगा, और वी वी कभी जीरो भी नहीं हो सकता है, एन का मान कभी भी जीरो बराबर नहीं होगा, समझ में आ गया होगा। तो कहाँ होगा, तो दोनों के बीच में होगा, दोनों के क्या होगा, दोनों के बीच में होगा। तो यहाँ से आप याद कर सकते हैं पोरोसिटी बराबर वॉल्यूम ऑफ वॉइस बटे टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल, नोट में लिखा है फॉर आवर जियो टेक्निकल एक्सपेरिमेंट वॉइस रेशियो इज मोर इम्पोर्टेंट, आप बताए थे वॉइस रेशियो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि वॉइस रेशियो में वॉल्यूम ऑफ वॉइस बटे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड लेते हैं, आप वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आप ड्राई केस में, सुपर सैचुरेटेड केस में, सैचुरेटेड केस में, ठीक है, किसी भी केस में चेंज नहीं होता, इसीलिए वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब वॉल्यूम सॉलिड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वॉइस रेशियो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा एज कम्पेयर टू पोरोसिटी। डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या देखे थे, एस बराबर डिग्री ऑफ सेचुरेशन मतलब डिग्री ऑफ सेचुरेशन मतलब होता है पानी के बारे में बताना, पानी कहाँ होता है वॉइस में, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर बटा वॉल्यूम ऑफ वॉइस हो गया, डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ वाटर, सॉरी हाँ ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर बटा वॉल्यूम ऑफ वॉइस, इसे कहेंगे डिग्री ऑफ सेचुरेशन। क्या वॉल्यूम वाटर कभी जीरो हो सकता है, हो सकता है किस कंडीशन में, ड्राई कंडीशन में, तो एस का मान क्या हो गया जीरो, कब होगा, जब सॉइल क्या होगा ड्राई होगा। क्या वॉल्यूम ऑफ वॉइस कभी बराबर हो सकता है वॉल्यूम ऑफ वाटर के, जरूर होगा,
किस कंडीशन में, पूरा पूरी पानी भरा होगा, पानी भरा होगा तो एयर होगा नहीं, एयर नहीं होगा सिर्फ वाटर होगा, वाटर होगा तो वॉल्यूम ऑफ एयर वॉल्यूम ऑफ वाटर होगा, तो उस कंडीशन में एस का मान क्या होगा, उस कंडीशन में एक कब होगा, जब फुल्ली सैचुरेटेड केस होगा, जीरो कब होगा, जब ड्राई केस होगा, ड्राई केस होगा तो उसमें वाटर क्या होगा, नहीं होगा। चलिए वही यहाँ दिखाया गया है, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या है, जीरो, जीरो क्यों है, ड्राई केस है, ड्राई केस है, यहाँ से देख लीजिए ड्राई केस है, यहाँ पार्शियली सैचुरेटेड है, तो पार्शियली सैचुरेटेड है तो वॉल्यूम ऑफ वाटर वॉल्यूम ऑफ वाइट दोनों बराबर नहीं होगा, एक से कम वैल्यू होगा, तो ये वही वाला केस दिखा दिया है, पार्शियली सैचुरेटेड वाला केस है। एस बराबर वन कब होगा, जब सॉइल होगा फुल्ली सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड में एस बराबर भी वन होगा। चलिए आगे चलते हैं, फिर अब एयर कंटेंट की बात किए थे हम, एसी एयर कंटेंट बराबर क्या होता है, एयर, एयर देखना है, एयर कहाँ होता है, वॉइड्स में एयर होता है, तो वॉल्यूम ऑफ एयर बटे वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, ये आपको यहाँ से याद रखना है। ये हो गया एयर कंटेंट बराबर, एयर कंटेंट की बात करिएगा तो क्या कभी वी ए जीरो हो सकता है, होगा जीरो, वी ए बराबर जीरो किस कंडीशन में, जब सॉइल होगा फुल्ली सैचुरेटेड उसमें सिर्फ वाटर ही होगा, उसमें एयर होगा नहीं, तो उस कंडीशन में एसी का मान क्या हो जाएगा, जीरो। एसी का मान जीरो किस कंटेंट में होगा, जब होगा सॉइल फुल्ली सैचुरेटेड। क्या वी बी बराबर वी ए हो सकता है, क्या वी बी बराबर वी ए होगा, होगा, कब होगा, जब सॉइल होगा फुल्ली ड्राई कंडीशन में, ड्राई कंडीशन होगा तो उसमें सिर्फ क्या होगा, एयर ही होगा, उसमें वाटर नहीं होगा, वाटर नहीं होगा सिर्फ एयर ही होगा, तो दोनों कट करके एक हो जाएगा, उस कंडीशन में एसी का मान एक हो जाएगा, यानी कि एसी का मान जीरो भी होगा। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं, अभी रिवीजन करवा रहे हैं, डिटेलिंग देखना होगा कि डिटेलिंग, तो इससे पहले लेक्चर देख लीजिए जा करके, तो वही रेंज यहाँ बताया गया, एयर कंटेंट का मान जीरो भी होगा, एक भी होगा और दोनों के बीच का भी वैल्यू होगा, तो यहाँ से निकाल देंगे एयर कंटेंट का मान जीरो लेस देन इक्वल एसी, एयर कंटेंट को एसी से इंडिकेट किया जाता है या सूचित किया जाता है, ये हो गया। यदि इस वीडियो का पीडीएफ लेना हो जेके क्लासेस सर्च कीजिए टेलीग्राम, वहाँ आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए दोनों रिलेशन देखे थे, रिलेशन बिटवीन एयर कंटेंट एंड डिग्री सैचुरेशन, एस बराबर क्या है, एस बराबर है वॉल्यूम वाटर बटे वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, एसी बराबर ये होता है एयर कंटेंट, एसी बराबर वॉल्यूम ऑफ एयर बटे वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, दोनों को जोड़ दिए थे, दोनों को जोड़ने के बाद यहाँ क्या आया था, नीचे में वी बी सेम है, वी बी लेल्सियम लीजिएगा तो ऊपर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर बटे वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स हो गया, दोनों कट करके एक हो गया, एस प्लस एसी बराबर एक। अब ये तुरंत देखे थे फॉर्मूला लिस्ट जो मेरे पास था, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। चलिए नेट है परसेंटेज एयर वॉइड, परसेंटेज एयर वॉइड्स क्या होता है, परसेंटेज एयर वॉइड्स, परसेंटेज कितना परसेंटेज है, टोटल कर लेंगे, टोटल सॉइल सॉलिड में जो आपका है सैंपल जिसमें एयर वाटर सॉइल सॉलिड तीनों होगा उसमें कितना होगा एयर उसकी बात करेंगे, तो इसमें परसेंटेज एयर वॉइड्स आपको टोटल वॉल्यूम लेकर कैलकुलेशन करना होगा, तो परसेंटेज एयर वॉइड्स इटा एक बराबर हो गया, क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ एयर बटे टोटल वॉल्यूम हो गया। अभी फॉर्मूला देखे थे लिस्ट में, वहाँ भी था लिखा हुआ, ठीक है। आप देख लीजिए रेंज, देख लीजिए रेंज यहाँ भी है, चलिए उसी प्रकार रेंज इसका आप निकाल लीजिए, आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसे डेंसिटी की यहाँ बात किए थे, डेंसिटी दो होता है, एक होता है मास डेंसिटी, एक होता है वेट डेंसिटी, मास डेंसिटी को इंडिकेट करते हैं रो से, वेट डेंसिटी, वेट डेंसिटी को इंडिकेट करते हैं गामा से, ये भी डेंसिटी है और ये भी डेंसिटी है, अंतर ये है कि ये मास है तो इसमें मास लेंगे और ये वेट है तो इसमें क्या लेंगे, वेट होंगे, दोनों में नीचे वॉल्यूम होगा, इसको इंडिकेट करते हैं रो से, इसको इंडिकेट करते हैं गामा से, दोनों में है डेंसिटी है। वाटर लगा देंगे तो वाटर का हो जाएगा मास डेंसिटी, और यहाँ डब्ल्यू वाटर लगा देंगे वाटर का हो जाएगा वेट डेंसिटी, ठीक है। अब ये तुरंत देखे हैं इसका यूनिट होता है केजी पर मीटर क्यूब, क्योंकि मास का होता है केजी और वॉल्यूम होता है मीटर क्यूब, ग्राम पर सीसी, एसआई सीजीएस हो गया, एसआई हो गया, वेट डेंसिटी की बात करेंगे जो टेबल वॉल्यूम होगा, वेट होगा डब्ल्यू बराबर एम जी, वॉल्यूम एम बटा बी बराबर रो, अभी तुरंत यहाँ देखे हैं ये एम बटा बी बराबर रो, ठीक है। तो यहाँ से निकल गया वेट डेंसिटी बराबर रो इंटू जी, वेट डेंसिटी बराबर मास डेंसिटी टू ग्रेविटी जी, जो आप कहते हैं ग्रेविटी ड्यू टू एक्सीलरेशन, ठीक है। यूनिट हो गया न्यूटन पर मीटर क्यूब, न्यूटन पर मीटर क्यूब हो गया ड्राई, जो भी डेंसिटी जित अभी पाँच छः डेंसिटी के बारे में हम बात करेंगे, इससे पहले बात भी कर चुके रिवीजन है, तो कोई भी डेंसिटी की बात कीजिएगा तो सब में होता है वेट वोटा क्या होता है वॉल्यूम, देखिए रिवीजन इसलिए करवा रहे हैं, कल न्यूमेरिकल कराएंगे, न्यूमेरिकल समझ में तब आएगा जब आपको क्या होगा, न्यूमेरिकल समझ में तब आएगा जब इस फॉर्मूला दिमाग में रहेगा, नहीं न्यूमेरिकल समझ में नहीं आएगा दिमाग से बाहर जाएगा, इसलिए जरूरी है रिवीजन करना, भागिए मत पढ़ लीजिए, दो मिनट तुरंत हम खींच देते हैं सबको। बल्क यूनिट वेट डेंसिटी या टोटल यूनिट वेट डेंसिटी निकालना होगा आपको, बल्क है टोटल है तो सीधा सीधी है गामा बल्क पूछे या क्या पूछे, गामा टोटल पूछे, तो टोटल वेट बटा क्या होगा, टोटल वॉल्यूम होगा। चलिए धैर्य धैर्य तुरंत रिवीजन करवा देते हैं, चलिए वो दूसरा पीडीएफ मैं ले, चलिए सैचुरेटेड यूनिट वेट, सैचुरेटेड यूनिट डेंसिटी पूछेगा, यूनिट वेट डेंसिटी तो गामा टी सैचुरेटेड, गामा टी सैचुरेटेड और बटा वॉल्यूम टी सैचुरेटेड ले लेंगे यहाँ से, ठीक है, वॉल्यूम सैचुरेटेड ले लेना है,
उसके बाद क्या है, उसके बाद है ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल पूछेगा। ड्राई डेंसिटी पूछा है सॉलिड लेना है तो वेट ऑफ सॉलिड बटे बटे वॉल्यूम यहाँ से हो गया। उसके बाद यूनिट वेट वाटर पूछेगा, देख लीजिए ये है गामा डब्लू, इसे बोलेंगे यूनिट वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर बटे वॉल्यूम ऑफ वाटर। और उसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या होता है, यूनिट वेट ऑफ वाटर बराबर होता है 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यू। ठीक है, गामा डब्लू बराबर 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यू, जो ये हो गया यूनिट वेट ऑफ वाटर एस आई में। यदि सी जी एस में पूछेगा तो ये होता है 1 ग्राम पर सीसी। और वाटर का डेंसिटी ये है डेंसिटी 1000 kg/m³, ये डेंसिटी है। ठीक है, और ये क्या है, ये हो गया यूनिट वेट डेंसिटी है, दोनों डेंसिटी है। एक होता है यूनिट वेट ऑफ वाटर या यूनिट वेट डेंसिटी कह दीजिए वाटर का, एक होता है सिर्फ डेंसिटी, मास डेंसिटी जिसे कहते हैं। चलिए उसके बाद है सबमर्ज यूनिट वेट, यहाँ क्या बताए थे, ये एक बल्ब है ये एक बकेट है, इसमें सब्सटेंस रखा हुआ है जिसे समथिंग को या फिजिक्स में पढ़े होंगे, इसका वेट नीचे काम करता है, वाटर इसे ऊपर धकेलेगा, नेट फोर्स कितना होगा, जितना इसका वेट होगा उसमें से बायंसी फोर्स घटा देंगे नेट फोर्स उतना ही होगा। यहाँ से गामा सबमर्ज बराबर निकल गया, कोई सॉइल है सॉइल को पानी में डुबा दीजिए, जैसे ये कोई सॉइल पार्टिकल को पानी में डुबा दीजिए। ठीक है, अब वो तैरेगा कि नहीं तैरेगा किस पर निर्भर करेगा, नेट वेट पर। नेट वेट कैसे निकालेंगे, गामा सेचुरेटेड माइनस नेट वेट वाटर कर दीजिए, आपको गामा सबमर्ज निकल जाएगा। वैसे गामा सबमर्ज कीजिएगा तो बेटा सबमर्ज सॉइल बेटा वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज सॉइल इससे निकाल सकते हैं। अगले में पूछेगा ये जो प्रिंसिपल है किस प्रिंसिपल पर आधारित है, दिस कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ये कॉन्सेप्ट आधारित है। चलिए तुरंत रिविजन हो गया। स्पेसिफिक ग्रेविटी, दो प्रकार का स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है, एक होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड, एक होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सैंपल। ठीक है, सॉइल सॉलिड की बात करेंगे जी एस इंडिकेट करेंगे, और मास स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सैंपल की बात करेंगे तो जी एम से इंडिकेट करेंगे। यहाँ पर सॉइल सॉलिड का बात किया गया है तो यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड लेंगे बट यूनिट वेट ऑफ वाटर, ये हो गया। और यहाँ पर सॉइल मास का बात किया गया है जी एम, तो टोटल मास मतलब टोटल पूरा लेंगे तो यूनिट वेट ऑफ टोटल यूनिट वेट ऑफ टोटल डेंसिटी ऑफ सैंपल, क्योंकि ये डेंसिटी ही है बट यूनिट वेट ऑफ वाटर। तो ये आशा है कि समझ में आ गया होगा, यहाँ से कुछ और सब डेंसिटी वाला है फार्मूला है और फार्मूला के चार्ट बताए, तो आशा है ये सब जितना फार्मूला है आप इसको अच्छा तरीका से याद कर लीजिए, 10 बार 15 बार लिखिए रोज 4 और 5 बार, क्योंकि जितना है ना आप जहाँ तक तैयारी कीजिएगा सब तक ये फार्मूला काम देगा, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से कहना चाहेंगे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप मेरे साथ पूरा सॉइल मैकेनिक्स पढ़ना चाहते हैं डिटेलिंग अच्छे तरीका से आपको पढ़ाएंगे, एकदम धीरे धीरे पढ़ाएंगे, ठीक है, तो आप पेड कोर्स ले सकते हैं, कैसे लेना है आप बता दिए वो आप देख सकते हैं। चलिए थैंक यू सो मच।